अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज आ चुका है जी मेरे पास बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट जो कि हमें भेजी है दोस्तों CVW कंपनी ने, यानी कि क्रिस्टल वीडियो वायरलेस कंपनी। तो ये एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसमीटर बनाती है, रिसीवर बनाती है HDMI के लिए, यानी कि अगर आप कैमरे के साथ अटैच कर लेंगे तो वायरलेसली आप जो है अपनी फुटेज जो है कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जितनी उसकी रेंज होगी। तो आज उन्होंने हमें उनकी लेटेस्ट प्रोडक्ट भेजी है जो कि है स्विफ्ट जी एक वायरलेस मोनीटर्स। तो इसके अंदर दो मोनीटर्स है, एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, तो दोनों को आज हम करेंगे टेस्ट। इनको सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर जाके इसको बाहर जाके आउटडोर में टेस्टिंग भी करते हैं। तो आप टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते और चेक करते हैं किस तरह की प्रोडक्ट है और उसके अंदर से क्या क्या निकलता है। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुकी है जी हमारी प्रोडक्ट जो कि हमें भेजी है जी क्रिस्टल वीडियो वायरलेस कंपनी ने। तो बहुत ही कमाल की दोस्तों प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये, और उन्होंने भेजा जी वायरलेस मॉनिटर्स हमारे पास टेस्टिंग के लिए। तो इसको हम चेक करते हैं आखिर क्या क्या सामान है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ अनबॉक्स। तो लीजिए जी, कर लिया मैंने अनबॉक्स। अनबॉक्स करते ही आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान है इसके अंदर। सबसे पहले जी इसके अंदर से निकलते हैं जी सन हुड। तो दो इसके अंदर से सन हुड निकलते हैं कंपनी की तरफ से, जो कि आप अपने जो है मॉनिटर्स के ऊपर अटैच कर लेंगे। और आप आउटडोर में अगर सन शेड के लिए ज़रूरत है, यानी कि अगर आपकी शाइनिंग आ रही है आपके मॉनिटर के ऊपर, तो उसकी जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो ये इसके साथ आते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये निकलते हैं जी बड़े कमाल के दो वायरलेस मॉनिटर। जी हाँ दोस्तों, ये हैं जी वो दो वायरलेस मॉनिटर जो कि इसके अंदर से निकले हैं। एक जो इसमें ट्रांसमीटर है जिसके ऊपर TX लिखा हुआ है, और एक रिसीवर है जिसके ऊपर RX लिखा हुआ है। तो ये हैं जी वो बहुत ही कमाल के मॉनिटर। तो इसको करना है जी आज हमने टेस्ट, और उसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या सामान है इसके अंदर। इसके अंदर और काफ़ी सारा सामान है दोस्तों, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले तो इसके अंदर निकलते हैं दो जो है सन हुड या सन शेड को लगाने के लिए माउंट। स्पेशल प्लास्टिक के माउंट है, इसके ज़रिए ही आप अपने मॉनिटर के ऊपर अटैच करेंगे। एक निकलता है दोस्तों इसके अंदर से यूज़र मैनुअल, जो कि बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है और इसको कोई भी नहीं रीड करता, मैं भी नहीं रीड करूँगा। उसके बाद इसके अंदर से निकलता है मॉनिटर को माउंट करने के लिए स्पेशल जो है दोस्तों एक माउंट, होट शू माउंट के ऊपर लग जाता है। तो स्पेशल माउंट है, इसके ऊपर आप जो है अपना मॉनिटर अटैच कर सकते हैं, कैमरा के ऊपर, स्टैंड के ऊपर, किसी भी जगह आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो स्पेशल ये माउंट इसके अंदर से निकला है। तो एक ये निकला है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर से दो निकली हैं केबल HDMI टू HDMI मिनी सोनिक वगैरह के कैमराज के लिए। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर से निकलता है जी चार एंटीनाज। जी हाँ दोस्तों, मुख्तलिफ किस्म के चार एंटीनाज है जो कि आप इसके ऊपर यूज़ करेंगे और आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और उसके बाद एक इसके अंदर जो है प्रोडक्ट लिस्ट है, और एक इसके अंदर दोस्तों निकलती है जी एक Type-C टू USB इसकी फ्रेमवेयर वगैरह अपडेट करने के लिए। तो अब बारी आ चुकी है दोस्तों कि इस मॉनिटर को आखिर किस तरह यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको जो एंटीनाज की ज़रूरत पड़ती है, आपने जो है इसके साथ चार एंटीनाज इसके साथ कंपनी ने दिए हैं। इन चार एंटीनाज को जो है आपने दो एक मॉनिटर पे लगा लेने हैं और दो एक मॉनिटर पे लगा लेने हैं। इनको लगाएंगे तो आपकी जो है ट्रांसमिशन बड़ी अच्छी आएगी। तो इनको अटैच करने का तरीका ये है, आपने सिर्फ सिंपल एंटीना पकड़ने हैं और इसके ऊपर जो है आराम से स्क्रू कर देने हैं। और इन एंटीना का सबसे अच्छा फ़ायदा है आप इनको जो है मूव भी कर सकते हैं, जिस तरह के हमारे रेडियो के एंटीना होते थे उसी तरह का तकरीबन मुझे लग रहा है। और इसको आप जो है हर मॉनिटर के साथ जो है दो दो एंटीना अटैच करेंगे। तो जिस तरह मैंने अटैच किए हैं तो इसके साथ भी हम अटैच कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप किसके थोड़े से फीचर्स के बारे में बता दो। तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है दोस्तों वो आती है जी 250 मीटर, यानी कि 250 मीटर तक आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। 250 मीटर का मतलब बनता है कम से कम 700-750 या 800 फुट के करीब जो है इसकी रेंज है, बहुत ज़्यादा रेंज है। आज तक जितने भी मैंने ट्रांसमीटर या रिसीवर अनबॉक्स किए हैं HDMI वीडियो के लिए, तो सबसे ज़्यादा रेंज वाला ये आज तक का हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर है। और पाकिस्तान में भी ये सबसे पहले अनबॉक्सिंग हो रही है हमारी चैनल पर जो कि हम अनबॉक्स कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हम जो है सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छी प्रोडक्ट जो है चैनल पे अपलोड और अनबॉक्स करते हैं। और टॉप पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि CVW की ब्रांडिंग भी हुई है जो क्रिस्टल वीडियो वायरलेस कंपनी है। और उसके बाद बैक साइड पे देख सकते हैं दोस्तों, बैक साइड पे आपको जो है यहाँ पर जो है बैटरीज एट अ टाइम दो अटैच कर सकते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। दो बैटरी अटैच करेंगे तो एट अ टाइम दो बैटरी को एक एक करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले एक बैटरी खत्म कर लें, उसके बाद फिर दूसरी बैटरी को खत्म कर लें। उसके बाद यहाँ पर बटन दिया हुआ है जिसके जरिए आप अपनी बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद एक इंटरनल जो है फैन दिया गया है दोनों के अंदर, जिसके जरिए जो है इनकी कूलिंग रहेगी। और की जो बॉडी है दोस्तों तकरीबन जो है वो सारी की सारी एल्युमिनियम में बनी हुई है,
जो कि मुझे बड़ी कमाल की लगी, क्योंकि काफ़ी मज़बूत जो है ये मोनीटर्स हैं और 5.5 इंच मोनीटर हैं जो कि आप अपने जेब में डाल के भी कहीं भी लेके जा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इनके पोर्ट्स के बारे में बात कर ली जाए तो पोर्ट्स के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके पोर्ट्स के अंदर दोस्तों आपको जो है 2 HDMI इन की पोर्ट्स मिलती हैं, 2 HDMI आउट की पोर्ट मिलती हैं और एक पोर्ट जो है आपको DC 12 वोल्ट इन की मिलती है और एक पोर्ट जो है आपको जो है दोस्तों ऑडियो जैक की मिलती है। उसके ऊपर आप हेडफोन या हैंड फ्री लगाकर अपनी जो है ऑडियो मॉनिटर कर सकते हैं, जो भी आप शूट के दौरान ऑडियो जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद नीचे वाली साइड पे देख लिया जाए तो नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है 2 DC आउट की पोर्ट मिल जाती हैं। यहाँ पर एक DC आउट की पोर्ट मिल जाती है जिसके ज़रिए आप जो है DC आउट ले सकते हैं, जो कि आप अपने कैमरे वगैरह को दे सकते हैं। और उसके बाद Type-C की एक केबल है, एक Type-C की पोर्ट है जहाँ पर जो है आप फ्रेमवेयर अपडेट करने के लिए अपनी USB लगा सकते हैं। और बहुत ही कमाल के दोस्तों मुझे मॉनिटर लगे हैं। और अब ये काम कर लेते हैं, अब चलते हैं बाहर, इनको पहले टेस्ट करते हैं कि किस तरह इसको यूज़ करना है, उसके बाद मैं इसके डिटेल फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैं आ चुके हैं जी बाहर अपने Swift-Z को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो है हारिस भी है मेरे साथ, जो एज अ डायरेक्टर काम करेगा। तो जैसे डायरेक्टर जो है अपना मॉनिटर के सामने बैठा होता है और जो भी वीडियो शूट कर रहा होता है DOP वो देख रहा होता है, उसको गाइड कर रहा होता है। तो इस तरह आज हम वीडियो को शूट करके मैं आपको बताऊँगा कि इस Swift-Z को यूज़ करते हुए आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं जी यहाँ पर ओपन। तो ओपन करते ही आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बॉक्स है और अभी हम इसको रेडी कर लेते हैं और फिर हम इसको अटैच करते हैं अपने ट्राइपॉड्स वगैरह पर। तो अभी मैंने जो है एंटीनाज लगा लिए हैं, पहले एक को उसके बाद दूसरे को भी एंटीना लगा लेता हूं। तो एंटीना का फ़ायदा ये है कि आपकी जो ट्रांसमिशन रेंज है वो सही मिलती है, आपको कहीं भी नॉइज़ या डिले वगैरह नहीं आता। उसके बाद ये इसके हुड वगैरह हैं तो इसको भी आप चाहें तो लगा सकते हैं और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा केबल्स वगैरह हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है आ चुका है जी ट्रांसमीटर और ये आ चुका है जी रिसीवर। तो सबसे पहले रिसीवर जो है हम अपने डायरेक्टर के पास लगा देंगे। तो इसके साथ मैं जो हूँ 2 बैटरीज जो है यूज़ करूँगा NPF सीरीज़ की, ये आप देख सकते हैं। ये हो जी रेडी हमारा डायरेक्टर के लिए, तो अब हम इसको लगा लेते हैं। तो मॉनिटर मैंने कर दिया है जी ऑन, आप देख सकते हैं। तो बड़े बेहतरीन तरीके से दोस्तों मॉनिटर हो चुका है जी ऑन। तो यहाँ पर जो है आपको आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी आ चुका है 9 सिग्नल का, क्योंकि अभी जो है कोई भी हमने ट्रांसमीटर अटैच नहीं किया। तो हारिस जो है यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग करेगा जो भी हम शूट कर रहे होंगे। तो अभी जो है हम रिसीवर की भी अटैचमेंट कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है ट्रांसमीटर हो चुका है जी ऑन और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी रिज़ल्ट भी आ रहा है, बड़ा बेहतरीन डिस्प्ले आ चुका है जी। और यही सेम डिस्प्ले जो है हमारा डायरेक्टर वाले मॉनिटर के ऊपर भी दोस्तों आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आ रही आ चुके हैं वीडियो को शूट करने के, तो मैं वीडियो शूट करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम जो है अब शूट करने लगे हैं जी अपनी वीडियो। तो मेरे साथ है आसिम, तो मैं आसिम के सीन ले रहा हूँ और वहाँ पर बैक साइड भी देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है हारिस है और अब हम हारिस के भी जो है सीन आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ के एज अ डायरेक्टर हारिस किस तरह हमारे सीन को देख रहा है। तो अभी मैं शूट करना स्टार्ट कर रहा हूँ जी। तो आप देख सकते हैं इस तरह के कूल सिनेमैटिक शॉट्स बनाने के लिए आप इस ट्रांसमीटर रिसीवर को यूज़ कर सकते हैं, इन मॉनिटर्स को, तो बड़े बेहतरीन कमाल के सीन आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे कूल सिनेमैटिक सीन आ रहे हैं दोस्तों। तो अभी हम जो कुछ भागने के सीन में ले रहा हूँ और आप देखेंगे कि कितने अच्छे स्कूल सीन आते हैं। We'll be right back.
तो लीजिए जी, अभी हम शूट कर रहे हैं थोड़ा सा सॉन्ग, इसको यूज़ करते हैं अपने HDMI वाले ट्रांसमिशन वाले जो है मॉनिटर्स को। तो साथ है आज हमारे पास साथ जो है हमारे साथ है सबीर रहमान। तो आज हम इसके कुछ गाने के सॉन्ग के जो है सीन शूट करेंगे। तो अभी हम शूट करते हैं स्टार्ट। तो लीजिए दोस्तों, आपने देखा आउटडोर के अंदर जो है हमने इसे वीडियो शूट की, वो बहुत ही कमाल वीडियो शूट हुई है। और आप ख़ुद भी शूट कर सकते हैं। अगर आप फिल्म मेकिंग के अंदर अपने जो है इस ट्रांसमीटर रिसीवर मॉनिटर को यूज़ करें, तो आप डायरेक्टर को एक अलहदा मॉनिटर दे सकते हैं। उसके बाद DOP के पास एक अलहदा मॉनिटर होगा, जो DOP शूट कर रहा है वो डायरेक्टर एक साइड पर बैठ कर देखता रहेगा। तो ये चीज़ जो है प्रोफेशनल लेवल पर यूज़ हो रही होती है। अगर आप इसको परचेज कर सकते हैं, तो आप जो है ख़ुद की एक प्रोडक्शन टीम के ज़रिए आप जो है मॉनिटर को यूज़ करते हुए अच्छी वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो फीचर के बारे में बताऊं दोस्तों, सबसे पहले आप इसकी LCD के ऊपर सबसे पहले देख सकते हैं। LCD के ऊपर जो है आपको मेरा डिस्प्ले नज़र आ रहा है, तो मैंने इसको अपने फ्रंट वाले कैमरे के साथ जो है इसका ट्रांसमीटर अटैच किया है। और रिसीवर जो है मेरे पास है, जिसके ज़रिए वायरलेसली फुटेज जो है मेरे पास आ रही है। और अभी आप ये देखते हैं कि इसके फीचर आखिर क्या क्या। सबसे पहले आप इसके टॉप पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेन्यू बटन आपको मिलेगा। तो मेन्यू बटन को दबाकर आप इसके जो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टच ऑन ऑफ का स्विच है, जिसके ज़रिए आप इसका टच को ऑफ़ कर सकते हैं। तो अब आपके इसको फीचर के बारे में, तो सबसे पहले तो टच को ऑफ़ करते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं टच ऑन चुका है, जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप इसके टच स्क्रीन के ज़रिए कर सकते हैं। अगर मैं टच को ऑफ़ कर देता हूँ, यहाँ पर टच स्क्रीन जो है बिल्कुल भी काम नहीं करती। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बैटरी शो हो रही है, एक आपको 1 और 2। जो 1 है वो मेरी यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड पर लगी हुई है, जो 2 है वो मेरी जो है राइट साइड पे लगी हुई। तो अब मैं जो है यहाँ पर डबल टैप करूँगा तो मेरी बैटरी 1 सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पर डबल टैप करूँगा दोस्तों, हमारी बैटरी जो है दूसरी सिलेक्ट हो जाएगी। आप अपने हिसाब से जो कौन सी बैटरी चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो है बैटरी 1 सिलेक्ट कर रही है, तो अब जो है बैटरी 1 यूज़ होगी। उसके बाद अगर आप राइट साइड से जो है यहाँ पर स्लाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपको वाईफाई के ऑप्शन इसके जो है दिख जाएंगे। अगर आप यहाँ पर बंद करना चाहें, ट्रांसमीटर को बंद भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से ट्रांसमीटर को ऑन करना चाहें, वहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। तो अभी जो है ऑन हो रहा है, तो ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो लीजिए जी, अभी हमारा जो है दोबारा ऑन हो चुका है। उसके बाद नीचे से टॉप पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको छोटा एक मेन्यू दिख जाएगा, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। सबसे पहले फोकस असिस्टेंट मिल जाएगा कि आपकी जो है क्या चीज़ जो है दोस्तों फोकस है। अगर आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मेरा ये नाइक वाला जो है ये एरिया जो है इसने फोकस किया हुआ है। और उसके बाद दोस्तों हिस्टोग्राम है, जिसके ज़रिए आपको मुख्तलिफ किस्म के हिस्टोग्राम की चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद ऑडियो मीटर है कि ऑडियो लेवल कैसा आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं ऑडियो हमारी जो है इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद यहाँ पे प्रैड ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको RGB मुख्तलिफ किस्म के और जो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वेक्टर है इसके अंदर, जिसके ज़रिए आप वेक्टर जो है मुख्तलिफ जो है इसकी ऑप्शन दे सकते हैं। ऑल वे फॉर्म है, जिसके अंदर आपको हर चीज़ें जो है कलर की, ऑडियो की, सब चीज़ें की, ऑडियो वीडियो की सब चीज़ें यहाँ पर जो है शो होने लग जाएंगी।
तो ये एक छोटा सा मेन्यू है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा मेन्यू खुल के आ जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको वेव फॉर्म मिल जाती है, ऑल वेव है, पैरेड, वेक्टर, हिस्टोग्राम, फोकस असिस्टेंट, ऑडियोमीटर, ज़ेब्रा है, मोनोक्रोम है, उसके बाद फॉल्स कलर है कि कौन कौन से कलर आपके यहाँ पर फॉल्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हर किस्म के यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद रिटर्न है, जब आप बैक से यहाँ पर जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन जो कि है यहाँ पर ग्रिड वगैरह के हिसाब से कि क्या क्या ग्रिड आपने अपने हिसाब से लगानी है, छोटी ग्रिड लगानी है, बड़ी ग्रिड लगानी है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ग्रिड का जो मार्कर है वो अपने हिसाब से जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर किस्म की जो सेटिंग यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। उसके बाद मार्कर कलर का कलर जो है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्कैन मोड है, वीडियो असिस्टेंट है, एनामॉर्फिक मोड है, एनामॉर्फिक मोड है, उसके बाद ऑटो मिरर है कि मिरर करना है या नहीं, तो अपने हिसाब से आप जो है मिरर के ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जूम टाइम है, फ्रीज टाइम है, उसके बाद फ्रीज ऑप्शन है, उसके पिक्सल टू पिक्सल ऑप्शन है, ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर जो है HDR आप इसके ऑन कर सकते हैं कि आया HDR आपने इसको ऑन करना है या नहीं, तो हाई डेफिनेशन रिकॉर्डर है ये HDR, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लट स्विच है, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से लट्स जो है इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं इसके अंदर जो है कुछ बुलेटिन भी लट्स आपको मिल जाएंगी, जैसे कि SLO के जो आप देख सकते हैं कलर में फ़र्क आ गया है। तो इस तरह की आप जो है मुख्तलिफ किस्म की लट्स इसके अंदर आप अपने हिसाब से अटैच कर सकते हैं। कलर टेम्परेचर आप अपने हिसाब से जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आप कलर टेम्परेचर चाहें वो रख सकते हैं। तो उसके बाद बैक लाइट की ऑप्शन है, ब्राइटनेस है कि कितनी ब्राइटनेस आपको मैक्सिमम चाहिए। तो अभी मैं जो इसको 100 पे ले जाता हूँ तो ओवर हो जाती है ब्राइटनेस, तो अभी जो है मैं इसको मैक्सिमम जो है नॉर्मल 50% तक इसको रख लेता हूँ। उसके बाद कंट्रास्ट है, सेचुरेशन वगैरह है, ह्यू है, शार्पनेस है, सब चीज़ें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है LCD की अपनी जो है मॉनिटर की सेटिंग है, जिसके अंदर बैक लाइट है, बैक लाइट जो है व्हील से जो आपने बैक लाइट कम करनी है या वॉल्यूम कम करना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज है, ट्रांसपेरेंसी है, आप अपने हिसाब से जो है रख सकते हैं, हाई करनी है, लो करनी है, मीडियम करनी है, लो है या ऑफ है, और OSD जो है टाइम है, यानी कि जिस टाइम में आपके जो मॉनिटर ऑफ हो जाए ऑटोमेटिक। उसके बाद टच ऑन ऑफ स्विच है, वॉल्यूम है, म्यूट है, रीसेट का ऑप्शन है, उसके बाद वाईफाई रीसेट का ऑप्शन है, फ्रीमवेयर अपडेट के वर्जन है, और उसके बाद यहाँ पर जाके आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन है। उसके बाद टच के जरिए अगर आप यहाँ पर टच करते हैं इसका जो है वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं आप, और अगर यहाँ पर टच करते हैं तो आप इसकी जो है दोस्तों ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपने देख लिया कि मैंने इसके फीचर्स के बारे में भी आपको बता दिया। बाकी मुझे जो है ये वायरलेस मॉनिटर बहुत कमाल के लगे हैं, बहुत मज़ा आया इनको यूज़ करते हुए। तो अगर आप फिल्म मेकिंग या आप जो है यूट्यूब की वीडियोज़ बनाना चाहते हैं तो आप इनको जो है ज़रूर यूज़ करें, इनको बाय करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है CVW का, तो वहां से आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। और अगर तो दोस्तों आपको इसके ऊपर ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक जरूर कर देना। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह जल्द इसके ऊपर एक और नई प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये थी आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक जरूर कर देना और एक दफा जाकर CVW कंपनी के जो है वेबसाइट को विजिट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।